ये आपकी शॉप है आपके? हाँ जी सर, ये पकड़ो। कहाँ से आए हो? यूपी से आए हैं सर। यूपी से आए हो जी? अच्छा, कितने दिन के लिए? ये अभी 240 तारीख अभी लगा हुआ है। अच्छा, तो जहाँ जहाँ भी मेला लगता है वहीं चले जाते हैं? हाँ जी, जहाँ एग्जीबिशन लगती है वहीं पर जाते हैं। मेले में जाते हो आप? जी जी। ये किस चीज़ के बने हुए हैं? ये चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं, बहुत ही बढ़िया कप होते हैं, ये अलग से बनाए जाते हैं। यूपी में कहाँ से आए हो? यूपी से बुलंदशहर से आए, जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर में इसका बहुत काम होता है? हाँ, इसी का काम होता है वहाँ पर, और किसी का नहीं बनता है पूरे। हाँ जी, ऑल इंडिया में यही बनता है बस वहाँ पर। ये कितने कितने के कप है? कप लोगे 220 में, 6 भी हैं और वैसे अलग अलग रेट भी हैं इसमें। अच्छा अच्छा, बड़ा वाला सेट अलग से मिलेगा, वो छोटे अलग। आप लोग वो मग भी रखे हुए कुछ? हाँ जी सर, ये भी अलग है। ये मग कितने का है? इस 60 रुपये में एक पीस दिया है। 160 रुपये का एक? 60 में सिंगल पीस है। 60 रुपये में सिंगल पीस है? बड़ा वाला लोगे तो उससे भी 120 में एक है। अच्छा अच्छा जी। इसमें खास बात क्या है? इसमें आप कोई भी बीमारी, जैसे कि बहुत ही बढ़िया एल्युमिनियम से बढ़िया रहता है ये, इससे बीमारी नहीं होती है। ये चाय कॉफ़ी मिल्क के लिए होते हैं। तो कितने दिन से हो यहाँ पे? अभी तो हम 24 तारीख तक हैं यहाँ पर। और यहाँ सेल अच्छी हो रही है? हाँ, सेल बढ़िया हो रही है, जैसे कि हमारे यहाँ के लोग उसको पसंद करते हैं। हाँ जी, खरीदारी बढ़िया हो रही है। धन्यवाद। ये छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं बेचने के लिए इन्होंने, ये सब बुलंदशहर की है ये दुकान। और ये हौजरी का सामान की ये दुकान, ये इसमें हौजरी का सामान रखा हुआ है, चप्पलें रखी हुई हैं, जराबी रखी हुई है, और बच्चों के लिए और दूसरे छोटे कपड़े रखे हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या सामान ज़्यादा बेचते हैं। क्या नाम आपका? नाम भंवर लाल है। कहाँ से आए हो? बीकानेर से। बीकानेर से? बीकानेर से। हाँ जी, राजस्थान। हाँ, बीकानेर वालों की स्टॉल है। तो वहीं चले जाते हैं। हाँ, इनके साथ में वो टीम बनी हुई है सब दुकानदारों की। अच्छा, इससे पहले कहाँ लगा रखा था? इसके पहले यहाँ थे बठिंडे। हाँ जी, हाँ बठिंडा, सीधे यहाँ आ गए। माल इनके पास रख के चले जाते हैं और फिर वो मैसेज हो जाता है फलाने जगह हो गए मेला, वहाँ सब पहुँच जाते हैं। हाँ, वहीं ले जाते हैं। हाँ, स्टॉल लगा लेते हैं। बढ़िया काम चल रहा है वैसे। हाँ, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हरियाणा के लोग भी बढ़िया हैं, बढ़िया चल रहा है। हाँ, लोग बड़े अच्छे हैं। हाँ, वो सर्दियों का है, ये जैसे टोपी है, जराब है, बच्चों का है, ये सब आइटम है। कौन सा? ये वाला 50 का है। 50 रुपये में? हाँ जी। हाँ, वो सस्ता ही कर रखा ना, क्योंकि यहाँ आगे नहीं। अच्छा है। हाँ जी, माल है। जराबे कितने की है? ये 100 रुपये में है सब। हाँ, ये 100 में चार जुड़ी है। पैकेट का मतलब कितनी है इसमें? तीन पेयर है। थ्री पेयर? तीन पेयर। हाँ जी, कॉटन में। अब तुम बोलो। क्या बोलूँ बताओ? ये अब थोड़ा 100 रुपये, 100 रुपये में जुराबे हैं जी। 100 रुपये का पैकेट है, तीन का। ये तीन का जी, 33 रुपये के होगा जी। नहीं, 30 सिंगल हम बेचते नहीं है ना। नहीं नहीं, वैसे अगर आदमी कोई लेता है 100 रुपये में, नहीं हम देते नहीं है, फिर भी 100 रुपये में एक पैकेट लेता है। हाँ जी, उसको तीन मिले। तीन मिले उसको एक। हाँ, 33। 33 रुपये का पड़ा। ठीक है, सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं। और गर्म है, सूती है? नहीं, गर्म है ये। समर विंटर वैसे दोनों में यूज कर सकते हो जी। एक दो साल सर्दी निकाल लेते हैं जी। तीन साल के लिए हो गया उसका। जी जी जी, थैंक यू। मारी छोरियों के छोरों ते कम है के? तुम्हारी जुराबे बनियानों से कम है के? हाँ बोलो आप। अब बोल गए ना, पहले मैंने बता दिया। हेड कोनी, पहले आप ले लो। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम भंवर है, हम राजस्थान बीकानेर से हैं। अच्छा। हाँ जी, बीकानेर से। ये सारा सामान जो पापड़ वगैरह? हाँ, नमकीन है हमारे पास, पापड़ है। हम ये जो पापड़ है ना, हमारे जो हाथ की पटाई के पापड़ आते हैं, सारा ये हाथ का सामान है, वो नहीं है हमारे पास कि आप मशीन वाले लेके आते। हाँ, पापड़ है, भुजिया है, राजस्थान बीकानेर के मशहूर हैं ये जो नमकीन टेस्टी आती है, ये बीकानेर वाली गांठी वाले भुजिया है ये सब। और क्या क्या आइटम है इसमें? तो ये अलग अलग होते हैं, जैसे ये पुदीने की भुजिया हैं, आलू भुजिया हैं, खट्टा मीठा है, लहसुन वाली हैं, ये बीकानेरी है, टेस्टी मिक्सचर हैं हमारे पास, देसी गट्टे हैं, बेसन गट्टे हैं, सांगरी है। अच्छा।
सांगरी तो बड़ी मशहूर है, सांगरी मशहूर है, राजस्थान की देसी सब्जी होती है, बाकी जहर की सब्जी होती है। सांगरी ये वाली है, देखो ये पड़ी है सांगरी, अभी मेरे पास ख़त्म हो गई है, कल आ जाएगी। अभी ये सांगरी है, सांगरी आती है 1500 रुपये किलो आती है, अभी देसी सब्जी है। हाँ भुजिया, ये आलू आलू भुजिया है, ये 70 रुपये में भाव जी बेच रहे हैं। हाँ जी, हिसार में लेने जाओ तो कितने का मिलेगा? हिसार में तो यहाँ के जो आप लोग हैं ना, वो यहाँ के लेके आते हैं, ये बीकानेर की क्वालिटी है, जो बीकानेर से आते हैं राजस्थान, ये नाव से चलते हैं, प्रसिद्ध है हमारे, जैसे हल्दीराम के हैं, बीकाजी के हैं, हम वही ब्रांड बेचते हैं, बढ़िया माल बेचते हैं, वो नहीं है हमारे पास नोकले, हमारे ब्रांड है ये, जो हमारे पास हींग है, हमारे पास राजस्थानी सारी चीज़ें हैं, जो ये हमारे सौजत का अचार आता है, वो सौजत वाला अचार है हमारे पास, वो इसको मट्टे वाली मिर्ची बोलते, बिगर तेल की आती है, रोस्टेड आती है सब। हाँ जी, बहुत सारी वेराइटी इसमें, काली मिर्ची, लौंग के पापड़, हाँ पापड़, ये जो है ना मूंग दाल के पापड़ है, बढ़िया एकदम प्योर। हाँ मोठ दाल के भी अलग आते हैं, मूंग दाल के भी है, तिरंगा पापड़ है, वो हमारे पास अभी ख़त्म हो गए हैं सब। हाँ ये वो चने का पापड़ आता है, चना चटपटे बोलते हैं इनको, हाँ लोग बहुत पसंद करते हैं हरियाणा के लोग। हाँ हमारे पास मूंग की बड़ी है, प्योर मूंग दाल की बड़ी बड़ी है, ये 70 रुपये पैकेट है भाऊ जी, 300 ग्राम आता है। पापड़ गिन पीस पे नहीं आते, वजन पे आते हैं, वजन। हाँ जी, वैसे तो आ जाते हैं इनके 12-13 पीस आते हैं, 12-13 पीस होते हैं। और ये आपने ये देखो हरियाणा की बड़ी फेमस है? नहीं, ये हमारे राजस्थान से गुड़ मूंगफली वाली गजे के, इसको देसी मावा बोलते हैं हम। और ये वो जो बचपन की यादें, काली मिर्ची काले नमक वाली टोपी आती है ना, खाना खाने के बाद खाओ हाजमा हो जाता है, ये वो कच्चा कैरी कच्चा आम का है, पिंपरमेंट वाला है, सारा कुछ हमारे राजस्थानी सामान है, सारा कुछ सब राजस्थान का ही मिलेगा, स्वाद राजस्थानी स्वाद। बीकानेर के हम यहाँ आए थे 8 तारीख को आए थे और 24 तारीख तक मिले हैं। हरियाणा में अभी आगे डिस्टेंस हुआ नहीं है, लेकिन बोल रहा है सिरसा मेला लगेगा। हाँ, या सिरसा होगा या अंबाला होगा, दोनों स्टेट में एक कौन सा। हाँ सिरसा अच्छा है, सिरसा लगाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है साहब, धन्यवाद।